इंडिया में स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया फुटबॉल की फॉलोइंग बहुत ही कम है। पीपल आइदर फॉलो क्रिकेट और अगर फुटबॉल में फॉलो करना हो तो दे फॉलो यूरोपियन फुटबॉल ड्यू टू इट्स ओन लेगेसी बिकॉज देर आर बिग क्लब्स लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, आर्सेनल एंड मैनी मोर। लेकिन हम में से बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं शायद कि इंडिया में फुटबॉल की हिस्ट्री उतनी ही पुरानी है जितनी किसी बड़े यूरोपियन क्लब की। And despite of following football for around 3 to 4 years now, even I didn't know that India had such a glorious past in football. So, आज की इस वीडियो में we will walk down the history lane of Indian football और देखेंगे उन moments को जिन्होंने Indian football की history को हमेशा के लिए change कर दिया। India में football की history start होती है early 19th century से। ये वही period है जब football as a game अभी completely developed नहीं हुआ था even in the European countries like Britain itself. Rules of the game were not codified yet and the game was more of a recreational activity than a competition. And we know this fact that these were the times when Britishers were establishing themselves in our country. So it was the Britishers who brought this game to India aur apne khali time mein they used to play this game. As for the accounts, Nirmal Nath ne apni book History of Indian Football mein state kiya hai ki jo India mein first football ka match tha that was played in Bombay in 1802. This match was played between the teams Island 11 and Military 11. और ये कोई प्रॉपर फुटबॉल का मैच नहीं था बिकॉज ड्यूरेशन ऑफ द मैच वॉज 30 मिनट्स और दिस वॉज काइंड ऑफ अ हाइब्रिड ऑफ फुटबॉल एंड रग्बी। अब ये तो बात हो गई इंडिया में फुटबॉल की हिस्ट्री की, लेकिन इंडियंस के लिए फुटबॉल की हिस्ट्री स्टार्ट होती है लेट 1870s से बिकॉज 1802 से लेके 1870s तक इंडियंस की फुटबॉल में पार्टिसिपेशन एकदम जीरो थी। थ्रू आउट दी 70 to 80 ईयर्स फुटबॉल सिर्फ ब्रिटिशर्स खेलते थे, उनकी आर्मीज, उनकी रेजिमेंट्स, उनके ट्रेड्समैन। और जैसे कि उन्हें हर केस में लगता था उसी तरह फुटबॉल में भी दे थॉट दैट इंडियंस वर इंफीरियर टू देम एंड इंडियंस वर नॉट कैपेबल ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। एंड देन फाइनली केम द पीरियड जिसने इंडियन फुटबॉल को एक नई डायरेक्शन दिखाई, द पीरियड ऑफ डॉन ऑफ इंडियन फुटबॉल 1870s to 1911। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद दिस मैन नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल। लेकिन 70s के दशक का जो सबसे पहला इवेंट आया दैट केम इन 1872 with the formation of first football clubs in India which were Sarda FC and Calcutta FC. Ek aur club start hua Dalhousie Athletic Club which was set up in 1878. But again, in sabhi clubs ke jo members the they were predominantly British so Indians ka koi contribution nahi tha isme. Contribution start kiya Nagendra Prasad ne who was just a 9-year-old child at that time. But Nagendra Prasad itne fascinate hue football se ki unhone ek football khareedi and he started playing it with his friends. उन्होंने अपने स्कूल हेयर स्कूल ऑफ कलकत्ता के ग्राउंड में फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया एंड अ प्रोफेसर फ्रॉम द नेबरिंग कॉलेज विच वॉज प्रेजिडेंसी कॉलेज ऑफ कलकत्ता ज्वाइन देम एंड टोल्ड देम द बेसिक रूल्स ऑफ द गेम। स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल एंड कॉलेज स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन फुटबॉल नाउ और कई क्लब्स बनने स्टार्ट हुए लाइक बॉयज क्लब, वेलिंगटन क्लब, हावड़ा स्पोर्टिंग एटसेट्रा। इसी टाइम के दौरान 1878 में ब्रिटिशर्स की विंटर कैपिटल शिमला में स्टार्ट हुआ ड्यूरेंट कप। ड्यूरेंट कप की लेगेसी हम इस बात से समझ सकते हैं कि ये एशिया का सबसे पुराना और वर्ल्ड का थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। बट अगेन दिस टूर्नामेंट वॉज नॉट मेंट फॉर इंडियंस और इंडियंस की फुटबॉल में जो ग्रोथ थी वो कलकत्ता के अराउंड ही चल रही थी वेयर नागेंद्र प्रसाद वॉज स्प्रेडिंग द गेम अमंग द मासेस। लेकिन अभी तक भी इंडियंस वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन ब्रिटिश कॉम्पिटिशंस। 1887 में सर्वाधिकारी वेंट ऑन टू फॉर्म द सोवा बाजार क्लब एंड फाइनली दिस क्लब वॉज इन्वाइटेड टू प्ले इन द ट्रेड्स कप विच वॉज अ ब्रिटिश कॉम्पिटिशन। और 1892 में वो मूवमेंट आया जब इंडियंस ने प्रूव कर दिया कि वट दे कैन डू इफ दे आर गिवन अ चांस। सोवा बाजार क्लब वेंट ऑन टू बिकम द फर्स्ट इंडियन टीम टू विन द ट्रेड्स कप इन 1892। और ये सिर्फ एक फुटबॉल क्लब की जीत नहीं थी बिकॉज इट वॉज सीन एज अ विन ऑफ इंडियंस ओवर द ब्रिटिशर्स। हर एक मैच में, हर एक टूर्नामेंट में वो नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट उभर के बाहर आ रहा था। एज कौशिक बंदोपाध्याय एंड बोरिया मजुमदार स्टेट इन देयर बुक दैट इट हैड बिकम एन एरिना ऑफ कंपटीशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द इंडियंस। इट सून ट्रांसेंडेड द रिक्रिएशनल बाउंड्री टू बिकम अ कल्चरल वेपन इन फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। मीनवाइल नागेंद्र प्रसाद से इंस्पिरेशन लेके कलकत्ता में बहुत से क्लब्स इमर्ज होने स्टार्ट हुए। मोहन बगान क्लब विच इज नाउ द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग फुटबॉल क्लब ऑफ इंडिया, इट स्टार्टेड इन 1889 एंड मोहम्मडन स्पोर्टिंग वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1891। अब 1892 की जीत के बाद सर्वाधिकारी मेट विद ऑफिशियल्स ऑफ अदर फुटबॉल क्लब्स टू स्टार्ट एन ऑल इंडिया लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट। लेकिन उस टाइम तक इंडिया में कोई फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी नहीं थी, सो इन 1893 IFA was founded. IFA ने एक टूर्नामेंट स्टार्ट किया ऑल इंडिया लेवल का विच वॉज नोन एज IFA शील्ड, जिसमें बहुत सालों तक ब्रिटिश टीम्स ही डोमिनेट करती रही।
इस दौरान कलकत्ता के बाहर भी इंडिया के कई पार्ट्स में गेम डेवलप होने शुरू हुई। केरला में साउथ इंडिया का पहला क्लब एस्टेब्लिश हुआ, विच वॉज आरबी फर्गसन क्लब। दिस क्लब वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1899। इसी तरह गोवा में 1905 में बॉयज सोशल क्लब स्टार्ट हुआ। लेकिन इंडिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट IFA शील्ड में अभी भी ब्रिटिशर्स की डोमिनेंस थी, और फाइनली जाके उनकी ये विनिंग स्ट्रीक तोड़ी 1911 में मोहन बगान फुटबॉल क्लब के इमोर्टल 11s ने। और ये इतनी बड़ी अचीवमेंट इसलिए थी बिकॉज मोहन बगान बिकेम द फर्स्ट इंडियन क्लब टू विन द IFA शील्ड, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट IFA में एक भी मेंबर इंडियन नहीं था। एंड स्टिल दिस बेयरफुटेड टीम मैनेज टू बीट ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट 2-1 इन द फाइनल्स ऑफ IFA शील्ड। इस जीत के बाद मोहन बगान वॉज सीन एज द नेशनल क्लब ऑफ इंडिया एंड द टीम वॉज नेम्ड इमोर्टल 11। 1911 के बाद फुटबॉल वॉज अ बिट साइडलाइंड बिकॉज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट सेंटर स्टेज ले रहा था, बट स्टिल ड्यूरिंग दिस टाइम सम की इवेंट्स टुक प्लेस। 1924 में इंडियन टीम मेड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल टूर टू श्रीलंका। देन इन 1937 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वॉज फॉर्म्ड। शिमला के आर्मी हेडक्वार्टर्स में 6 रीजन के रिप्रेजेंटेटिव्स मिले एंड दे फॉर्म्ड द AIFF। 1938 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया वेयर आर लैंसडन स्कोर्ड द फर्स्ट हैट्रिक फ्रॉम इंडिया। देन इन 1940 मोहम्मडन स्पोर्टिंग टीम बिकेम द फर्स्ट नॉन ब्रिटिश टीम टू विन द ड्यूरेंट कप। एंड देन केम द ईव ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। भारत के आज़ाद होने के बाद स्टार्ट हुआ इंडियन फुटबॉल का गोल्डन पीरियड। 1951 से 1962 के पीरियड को इंडियन फुटबॉल का गोल्डन ईरा बोलते हैं, और ये गोल्डन ईरा स्टार्ट हुआ 1948 के लंदन ओलंपिक्स से, व्हेन इंडिया प्लेड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट फ्रांस। इंडियन टीम वॉज लेड बाय अ लेजेंड टैलीमेरन आओ, हु बिलोंग फ्रॉम नागालैंड। ही इज फॉन्डली रिमेंबर्ड एज द बेयरफुट वंडर फ्रॉम नागालैंड। इंडिया की टीम ने फ्रांस को कड़ी टक्कर दी, एंड बीइंग इन देयर फर्स्ट इंटरनेशनल मैच फ्रांस जैसी बड़ी टीम से 2-1 की स्कोर लाइन से हारना वॉज अ बिग थिंग। इनफैक्ट इंडियन टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी दैट द टीम वॉज इन्वाइटेड टू बकिंगहम पैलेस फॉर डिनर। उसी साल 1948 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन गेन्ड एफिलिएशन फ्रॉम फीफा एंड वॉज इन्वाइटेड टू प्ले इन द फीफा वर्ल्ड कप ऑफ 1950। और ये वो मिस्ड अपॉर्चुनिटी साबित हुई जो आज तक इंडिया कैचअप नहीं कर पाया बिकॉज द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन द ब्राज़ील वर्ल्ड कप। इस रिफ्यूजल के पीछे कई थ्योरीज बनी, लाइक इंडिया के पास सफिशेंट फंड्स नहीं थे और इंडियन टीम को बेयरफुटेड खेलना अलाउड नहीं किया गया, एंड देयर वर अदर थ्योरीज ऑल्सो। बट जो दो मेन रीजन निकल के आए, देयर वर लैक ऑफ सफिशेंट प्रैक्टिस टाइम एंड नंबर 2 डिसएग्रीमेंट्स ओवर द टीम सिलेक्शन। इसके बाद स्टार्ट हुआ इंडियन फुटबॉल का गोल्डन ईरा जब 1951 में इंडिया ने फर्स्ट एशियन गेम्स होस्ट की, एंड द टीम लेड बाय द लेजेंड साइलन मन्ना वेंट ऑन टू विन गोल्ड फॉर इंडिया इन द फर्स्ट एशियन गेम्स। इसके बाद 1956 के मेलबर्न ओलंपिक्स में इंडियन टीम फिनिश्ड ऑन 4th प्लेस, एंड इस परफॉर्मेंस के बाद इंडिया को एशिया का पावर हाउस माना जाने लगा। एंड देन अगेन 1962 की एशियन गेम्स में, जो कि जकार्ता में हुई थी, इंडिया वॉन गोल्ड मेडल। इस गोल्डन ईरा का रेलेवेंस आप इस बात से समझो कि 1960 वॉज द लास्ट टाइम एन इंडियन फुटबॉल टीम क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स। देन 1962 के बाद इंडिया ने कभी एशियन गेम्स में कोई मेडल नहीं जीता, एंड एज फॉर द फीफा वर्ल्ड कप इंडियन टीम हैज नेवर क्वालिफाइड फॉर दिस इवेंट। फास्ट फॉरवर्ड टू 2021, विद द इंक्रीजिंग एक्सपोजर एट द इंटरनेशनल स्टेज, लॉन्च ऑफ लीग सच एज ISL, एंड विद द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ दिस ब्यूटिफुल गेम इन आर कंट्री, इंडियन फुटबॉल इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड बोल्डर एवरी सिंगल डे। एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेट प्लेयर्स सच एज सुनील छेत्री एंड द फायर पावर ऑफ यंग ब्रिगेड कमिंग अप मेक्स द परफेक्ट प्लान फॉर आवर टीम गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन किसी भी गेम को और किसी भी प्लेयर को बड़ा बनाते हैं उसके फैंस, लाइक यू एंड मी। सो लेट अस बैक द ब्लूज इन फुटबॉल ऑल्सो एंड ब्रिंग बैक द गोल्डन डेज ऑफ इंडियन फुटबॉल।